नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फसल सलाह के इस YouTube चैनल में। तो आ गया है आपके लिए मंडी भाव, तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा भाव और क्या रहेगा बाजार। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरसों में, तो सरसों में गिरावट की उम्मीद की जा रही है। देश की विभिन्न मंडियों में सरसों की आवक 12.25 लाख बोरी के लगभग होने से तथा तेल मिलों की मांग घटने से लॉरेंस रोड पर सरसों के जो भाव है वो 5300 से 5350 रुपये प्रति क्विंटल पर सुस्त रहे हैं। नजफगढ़ मंडी में लूज इसके भाव 4800 से 4900 रुपये प्रति क्विंटल रहे बोले गए। आगरा में 42% कंडीशन सरसों के भाव 6000 रुपये प्रति क्विंटल रह गए हैं। सप्लाई व मांग को देखते हुए इसमें तेजी की उम्मीद अभी नहीं की जा रही है। अगर हम कुछ प्रमुख मंडियों की बात कर ले सरसों में, तो जो भाव है वो भरतपुर मंडी में 5142 रुपये, टोंक में 5180 रुपये, जयपुर में 5525 रुपये से 5550 रुपये, अबोहर में 4500 से 4900 रुपये, गंज बसोदा में 4800 रुपये, अलवर में 5300 रुपये, अशोकनगर में 4700 से 4800 रुपये और छतरपुर में 4700 रुपये है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सोयाबीन की। तो सोयाबीन में भी सुस्ती बनी रहने की उम्मीद है। घटी कीमत पर भी सोयाबीन की बिक्री सुस्ती बनी हुई है। यही वजह है कि जलगांव में सोयाबीन 50 रुपये और मंदा होकर 5200 रुपये प्रति क्विंटल रह गया है। हाल ही में इसमें इतनी मंदी आई थी, शिकागो के सक्रिय तिमाही सोया तेल वायदा में 6 सेंट प्रति पाउंड की मंदी आने की जानकारी मिली है। KECL में साप्ताहिक अवकाश रहा, एक दिन पूर्व इसकी सक्रिय तिमाही पाम तेल वायदा में 30 रिंगिट प्रतिदिन की मंदी आई थी। आगामी 1-2 दिनों में हाजिरी में सोयाबीन में सुस्ती बनी रह सकती है। अगर हम सोयाबीन की कुछ प्रमुख मंडियों की बात करें, तो जालना में जो भाव है 5050 से 5100 रुपये, लातूर में 5200 से 5350 रुपये, अकोला में 4800 से 5125, नागपुर में 4200 से 5050, देवास में 5000 से 5400 रुपये, खांडवा में 5000 से 5400, लातूर में 5430 रुपये, हिंगोली में 5490 रुपये है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मक्का में। तो मक्के में नए माल की आवक बढ़ गई है। बिहार के गुलाबबाग, दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया लाइन में मक्की का दबाव बढ़ गया है, जिसके चलते वहां भाव रैक पॉइंट पर 1940 से 1950 रुपए प्रति क्विंटल रह गए हैं। मक्की की उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर होने से लगातार बाजार टूटता जा रहा है, लेकिन पिछले 3 दिनों से रैक की लोडिंग चालू हो जाने से मंदे को विराम लग गया है। आगे कुछ दिनों तक अभी निरंतर रैक लगने वाले हैं। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए वर्तमान में और मंदे का व्यापार नहीं करना चाहिए। मक्की का इसी तरह दबाव बना रहेगा तो बाजार टिका रहेगा, अन्यथा रैक लोडिंग को देखकर के बाजार तेज भी हो सकता है। अगर हम मक्की की कुछ प्रमुख मंडियों की बात कर ले, तो हैदराबाद में भाव 2020 से 2040 रुपये, बेंगलुरु में 2050 से 2075 रुपये, राजस्थान में 2300 से 2325, हरियाणा में 2250 से 2275, गोहाना में 2140, काठवाड़ा में 2075, मौली बरवाला में भाव है 2220 रुपये, जींद में 2200, गाजीपुर में 2070, सांगली में 2100 से 2150, गोकर्ण में 2050 रुपये और गुलाबबाग में भाव है तो 1900 से 1950 के बीच में मॉइस्चर के हिसाब से चल रहे हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नरमा की। कपास में तो सिरसा में भाव है वो है 7965 रुपये, बरवाला की बात कर तो 7931 रुपये, अबोहर में 7785, एलनाबाद में 7815 से 7846, हनुमानगढ़ में 8150 रुपये, फतेहाबाद में 7800 रुपये और आदमपुर में जो भाव है वो 8036 रुपये चल रहे हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बाजरा की। तो बाजरा में वर्तमान भाव पर लाभदायक रहेगा व्यापार करना। बाजरे में वर्तमान भाव पर व्यापार लाभदायक लग रहा है, क्योंकि मक्की में भी गिरावट रुक गई है और गेहूं का बाजार तेज होने लगा है, जिससे चलते जो बाजरा मौली बरवाला पहुंच में 2270 से 2275 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है, उसमें अब घटने की गुंजाइश नहीं है। बाजरे की फसल कोई फिलहाल आने वाली नहीं है तथा यूपी राजस्थान की मंडियों में भी स्टॉक ज्यादा नहीं है, इसलिए बाजरा कुछ दिन ठहर कर 100 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ सकता है। अगर हम कुछ प्रमुख मंडियों की बात कर ले, तो दाहोद में जो भाव है वो 2000 से 2400 रुपये, मौली बरवाला में 2230 रुपये, राजस्थान में 2240, शिवानी में 2280 रुपये। अगर हम जौ की बात कर ले, तो जौ मौली बरवाला में जो भाव है 1980 रुपये और शिवानी में 1870 रुपये है। तो ये थे कुछ प्रमुख मंडियों के भाव। आप और भी इस तरीके की सारी मंडियों के भाव जानने हैं तो आप फसल सलाह ऐप को इंस्टॉल करें और उस मंडी भाव में जाकर के अपने सारे फसलों के दाम देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।